नमस्कार साथियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। साथियों, आज जो हुई है 16 सितंबर को PTET परीक्षा, जो हमें BEd के लिए हमने परीक्षा दी है, साथियों इसी परीक्षा के आधार पर इसी प्रकार का एक कोर्स होता है साथियों DEd। तो DEd क्या है, इसमें कैसे फॉर्म भर सकते हैं, इसके अंदर क्या योग्यता चाहिए, और इस फॉर्म के दौरान हम ये जब DEd कर लेंगे कोर्स, तो इनसे हमें क्या आगे जाकर क्या मिलेगा, तो इनके बारे में हम पूरी डिस्कस के साथ में जानकारी लेकर के आए हैं। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखिए, और उसके बाद आपको यदि सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल की सदस्यता लेना बिल्कुल भी मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथियों, आपका प्यार और आपका दुलार बनाए रखिए। चलिए शुरू करते हैं कि DEd क्या है। तो देखिए साथियों, DEd क्या है, जो स्पेशल BEd होती है इसे हम DEd कहते हैं। DEd एक डिप्लोमा कोर्स है जो कक्षा 12वीं के बाद किया जाता है, जिसे डिप्लोमा इन एजुकेशन कहा जाता है। DEd डिप्लोमा इन एजुकेशन कहा जाता है। राजस्थान में स्पेशल BSTC, हरियाणा में स्पेशल JBT, उत्तर प्रदेश में स्पेशल BTC के नाम से जाना जाता है, जो कि गलत है, क्योंकि इन राज्यों में शैक्षणिक डिप्लोमा क्रमशः BSTC, JBT, BTC कोर्स के नाम से जाने जाते हैं, जो कि सामान्य शिक्षक की योग्यता है। अपनी सुविधा के लिए यहाँ के निवासियों ने अपने राज्यों के होने वाले कोर्स के आगे स्पेशल शब्द लगाकर DEd के समानार्थी समझते हैं। अब साथियों, क्या है कि ये सभी ने अलग अलग राज्यों ने अपना अपना जो शिक्षक का कोर्स है, इनकी शिक्षकों की योग्यता है, इनकी जो एक सामान्य शिक्षक की योग्यता की जांच करने का जो कोर्स होता है, उसके अपने आगे नाम रखा दिया, हरियाणा में JBT वगैरह कर दिया है। तो साथियों, इसमें क्या होता है कि जो अपना BSTC, JBT, BTC ये सामान्य शिक्षक योग्यता है, जबकि DEd एक विशेष शिक्षक योग्यता है। इनकी DEd क्या है, तो DEd एक विशेष शिक्षक योग्यता है, विशेष शिक्षक योग्यता, बिल्कुल जी हाँ साथियों। तो कैसे करते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया, आगे देखिए। तो शिक्षक एक विशेष योग्यता है DEd, जो नोट लगा के देखो, राजस्थान में BSTC का नाम अब DEd कर दिया गया है। इसके लिए क्या योग्यता होगी साथियों DEd के लिए, तो इसके लिए 10+2 पास होना चाहिए, 50 या इससे अधिक प्रतिशत अंकों के साथ में, यदि आपके 12वीं के अंदर 50 या इससे अधिक अंक है, तो आप DEd का इनकी डिप्लोमा का फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए साथियों, हर साल पेपर होता है, इनकी प्री टेस्ट होता था, लेकिन अब की बार ये प्री टेस्ट होगा या नहीं होगा, इसकी जानकारी भी हम इस वीडियो में आगे आपको देने वाले हैं। तो साथियों देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि स्पेशल DEd के लिए इंटरेस्ट एग्ज़ाम लिया जाता था, जो अलॉट इनकी ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा लिया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के कारण एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। इस बार 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी, उसी गुणों के आधार पर विद्यार्थियों को संस्था आवंटन की जाएगी। साथियों, इसका मतलब ये हो गया कि यदि आपके कक्षा 12th में अच्छे प्रतिशत है और आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो साथियों आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, इस फॉर्म को भरना मत भूलिएगा, क्योंकि यह सीधा सीधा आपके 12वीं के नंबरों की मेरिट बनेगी, उस मेरिट के आधार पर आपको एक कॉलेज मिलेगी, उस कॉलेज में आपको 2 वर्ष का एक डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा, जो पढ़ाई एजुकेशन संबंधित होगा। इस कोर्स के बाद में आप कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के विशेष अध्यापक बन सकते हैं। तो साथियों, आगे देखिए इसकी क्या प्रक्रिया है, इसकी कितनी फीस है, उस सबके बारे में आप डिस्कस करते हैं। तो देखिए साथियों, लिखा हुआ है डेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप कब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसके साथियों डेट लिखी है 14 सितंबर से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है साथियों 30 सितंबर, और 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। और पहला इसकी काउंसलिंग फिर है कि ऑनलाइन मेरिट, इनकी मेरिट रहेगी काउंसलिंग के लिए डिक्लेयर हो जाएगी, होगी साथियों 5 अक्टूबर को आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, और पहले काउंसलिंग 6 अक्टूबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक होगी, दूसरी और लास्ट काउंटिंग 14 अक्टूबर से लेकर के साथियों 18 अक्टूबर तक रहेगी। काउंसलिंग के बाद में 19 से लेकर के 21 आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, 19 से लेकर के 21 अक्टूबर तक आपको
आपकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी और फाइनल लिस्ट आपकी 26 अक्टूबर को आपकी क्लास अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो साथियों, इसके लिए क्या योग्यता मैंने आपको बता रखा है, अब देखिए इनकी क्या फीस क्या रहती है, इनकी फीस कितनी रहेगी। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम है इनकी, इसकी जो एग्ज़ाम होगा ना अगली बार, सीधा आपके 12th मार्कशीट के आधार पर आपकी सीधी सिलेक्शन होगा, इनकी आपकी 12th के आधार पर मेरिट बनेगी। तो साथ ही इनकी फॉर्म भरने की फीस रहेगी जनरल और ओबीसी के लिए वो रहेगी 500 रुपये प्रति कैंडिडेट, और एससी एसटी के लिए रहेगी साथियों 400 रुपये प्रति कैंडिडेट। यह 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है, जहाँ सेमेस्टर होते हैं वहाँ सेमेस्टर में बांटा जाता है, लेकिन यहाँ 2 वर्ष का कोर्स है। आगे बात करें, देखिए इसके लिए क्या होता है कि डी एड को RCI के द्वारा 6 विभागों में बांटा गया, जिसे ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त इनमें से किसी भी कोर्स में भाग को सिलेक्ट किया जा सकता है। इसके सभी भागों का विवरण क्या है, इसकी स्पेशल किसके लिए स्पेशल होते हैं, तो देखिए साथियों, यदि आपने देखा होगा कि एक बधिर वर्ग के विद्यार्थी होते हैं उनके लिए स्पेशल टीचर होते हैं, मानसिक रोग के लिए स्पेशल टीचर होते हैं, अधिगम अक्षमता के लिए स्पेशल टीचर होते हैं, दृष्टिबाधितों के लिए स्पेशल टीचर होते हैं, और मानसिक रोग और बहुभागी अक्षमता के लिए भी स्पेशल टीचर होते हैं। तो इनके लिए साथियों ये डीएड एग्ज़ाम है, इसमें आपको 12th के प्रतिशत पे आपको सीधा साथियों आपको कॉलेज मिलेगा, वहाँ आपको 2 साल का कोर्स कराया जाएगा, उसके बाद में आपको सीधा इसमें आपका इंटरेस्ट इनके एग्ज़ाम देकर के सेक्शन में आप जा सकते हैं। तो साथियों बहुत अच्छा स्कोप है 12th के बाद का, यदि आपके अंदर 12th के अंदर अच्छे परसेंटेज है, आप टीचर बनना चाहते हैं, इस फॉर्म को ज़रूर भरें। आगे देखिएगा साथियों, डीएड करने से क्या लाभ है, देखिए डीएड करने के लाभ, तो साथियों देखिए इसमें क्या लाभ है मैं बता देता हूँ आपको। डीएड स्पेशल करने के बाद अभ्यर्थी सरकारी या प्राइवेट शिक्षक बनने की योग्यता रखता है, डीएड किया हुआ अभ्यर्थी प्राइमरी सेक्टर अर्थात कक्षा 1 से 5 का शिक्षक बनने की योग्यता रखता है, स्पेशल डीएड योग्यता प्राप्त से विशेष जरूरत वाले बच्चे जैसे बधिर दृष्टिबाधित मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए शिक्षक उपलब्ध कराना है, ये आपकी 2 वर्ष की अवधि है साथियों, यहाँ आप 35,000+ रुपये भी कमा सकते हैं। तो साथियों देखिए कैसे आपके आगे इसके बारे में और क्या लिखा है कि इस कोर्स के करने के बाद अभ्यर्थी प्राइवेट या गवर्नमेंट शिक्षक के लिए पात्रता हासिल कर लेता है, प्राइवेट शिक्षण संस्थान द्वारा शिक्षण संस्थान में शिक्षण करवाने पर 15,000 मंथली रुपये अधिक प्राप्त कर सकता है, इस कोर्स को करने के बाद सामान्य और विशेष शिक्षक दोनों के लिए वह पात्रता हासिल करता है, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप क्षेत्र में अंतर्गत देखा गया है, सामान्य शिक्षक के तौर पर विशेष योग्यताधारियों को ज्वाइनिंग नहीं कराया जाता है। अंतिम रीट वैकेंसी 2018 के अनुसार कुछ जिलों में स्पेशल डीएड धारकों को ज्वाइनिंग कराया गया था, कुछ जिलों में इसके अंतर्गत अभ्यर्थियों को न्यायालय में प्रकरण चलता है, यानी कि आपने यदि डीएड कर रखी है तो आप रीट एग्ज़ाम होता है जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है राजस्थान का, ये भी आप दे सकते हैं और इसमें भी आपको पात्रता दी जाएगी, यानी कि ये लिखा हुआ है। तो बिल्कुल साथियों ये बहुत अच्छा स्कोप है, यानी कि आपके पास में स्पेशल बीएड का, तो स्पेशल बीएड के बारे में अपने बात की। तो साथियों ये सभी बातों को आपने समझा होगा, तो इसके बाद में आपके लिए मैं आपको बात बता देता हूँ कि यदि आपके 12th में अच्छे परसेंटेज है और आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो साथियों इस फॉर्म को भरिएगा, आप आपकी मेरिट में जब आपका काउंसलिंग में नंबर आए तो काउंसलिंग कराइएगा और 2 साल का आप कोर्स करिएगा पूरा, और इस 2 साल के कोर्स के बाद में आप स्पेशल टीचर बन जाएंगे साथियों, और स्पेशल टीचर मंथली 35,000 रुपये आराम से कमा सकता है। तो साथियों ये था स्पेशल बीएड के बारे में, तो साथियों आपको इसके बारे में सेशन समझ में आया होगा, इससे संबंधित आप किसी प्रकार का प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करिएगा और अपने सुझाव जान सकते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारा टेलीग्राम लिंक भी है, व्हाट्सअप लिंक भी है, और साथियों इसके साथ अन्य जो सोशल मीडिया के हमारे लिंक है वो भी इस ऐप के लिंक में इनकी आपके इस वीडियो के लिंक में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमारे से जुड़ सकते हैं और ऐसी अपडेट पा सकते हैं। चलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, जय हिंद जय भारत।